उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सचिवालय में अनुसूचित जाति जनजाति समिति की याचिका पर सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा। वहीं मामले में न्यायालय ने जस्टिस इशरत हुसैन कमेटी की रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति कार्मिक बहुउद्देशीय मानव संसाधन कल्याण समिति की तरफ से देहरादून निवासी 55 वर्षीय अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के खिलाफ उच्च न्यायालय में सिविल वाद दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के मामले में 18 जनवरी 2022 को आदेश दिए थे। इसमें प्रमोशन में आरक्षण का कार्डर अनुसार रोस्टर बनाए जाने को कहा गया था। याचिका के अधिवक्ता हरिमोहन भाटिया ने कहा कि वो आरक्षण नहीं बल्कि इस याचिका के माध्यम से आरक्षण के रोस्टर को बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय से कहा कि समिति की तरफ से इस तरह की पहली याचिका दायर की गई है। सोमवार को उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुलवी की खंडपीठ ने सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही खंडपीठ ने जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी के वर्ष 2012 की जांच रिपोर्ट 2016 में फाइल होने के बाद की रिपोर्ट भी तलब की है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। याचिका में हम आरक्षण की कोई बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, ये याचिका उत्तराखंड सचिवालय के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठन के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में फाइल की। जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का जो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण का जजमेंट है, उसके अनुसार जो रोस्टर बनना है आरक्षण देने हेतु, उस रोस्टर को बनाने की मांग हम कर रहे हैं सिर्फ इसमें, इस याचिका में। तो कोर्ट के द्वारा सुनवाई के उपरांत सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो अपना जवाब फाइल करें।